इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कल का चरित्र है, भरत भैया ने अयोध्या के राज सिंहासन को क्यों नहीं स्वीकार किया? क्यों? भरत जी जान गए कि पूज्य पिताजी ने यह सिंहासन भरत को नहीं दिया, ये बड़े भैया को देने का संकल्प किया, तो ये अयोध्या की संपत्ति किसकी है? संपत्ति सब रघुपति कहे आए, ये सब राम जी की है। इसलिए भरत जी सिंहासन पर पादुका रख करके 14 साल भजन करते रहे। जो हमारा है वही सुखी रखेगा, जो हमारा नहीं है दुख लेके आएगा। छोड़ दिया, क्यों छोड़ा? पहली बात को अपना माना क्यों? जो अपनी नहीं है उसको अपना क्यों मान लिया? और थोड़ा कठोर है, कथा में नहीं, आप किसी उत्सव में गए हो और आपकी कुर्सी न लगी हो तो दूसरे की कुर्सी पर कदाप नहीं बैठना चाहिए। क्यों? अगला बीच में आ गया तो ए मिस्टर स्टैंड अप। क्यों भैया, का है? कुर्सी मेरी है। अच्छा ठीक है, पता नहीं था, नहीं तो न बैठते। क्यों नहीं पता है? जब आपकी थी नहीं तो आप क्यों बैठ गए? ये भी रुग्ण स्वभाव है, अपनी नहीं, खड़े रहिए खड़े रहिए, ये धर्म है। आप कहेंगे ये कौन सा धर्म है? यदि इसी तरह की मानसिकता रही तो हम किसी की वस्तु को अपना मान करके उसको घर लेके चले जाएंगे। हर पल पर सावधान रहना है साधक को, ये रामचरित्र है। भगवान हर पल हर घड़ी सावधान रहते, यही नहीं, परमात्मा ने सुमंत्र जी को बरबस, बरबस माने बरियाई से, बरबस माने बर के कारण से, बरबस। बर क्या था? 14 वर्ष राम वनवास। सुमंत्र जी को विदा किए, अपने प्रभु गंगा जी के तट आए। आप जरा विचार करिए, भगवान गंगा जी को पैया पैया क्यों नहीं पार कर रहे हैं? क्योंकि गंगा जी भक्ति हैं, ब्रह्म भी सहजावस्था से भक्ति रूपी गंगा को पार नहीं कर सकते, वो धर्म मार्ग का अनुसरण करेंगे। क्योंकि जगत यद्दाचरत श्रेष्ठ तद्देव तरोजन सयत प्रमाणम कुरते लोकस तदनुवर्तते, हम जैसा रहेंगे लोग वैसा रहेंगे। सो हरि पढ़ यह कौतुक, महाजनो जैन गतः सपंथा, हम श्रेष्ठ हैं तो श्रेष्ठ पथ का अनुगमन करें, निकृष्ट पथ का नहीं। ये सदैव ध्यान रखना है कि हम यहां बैठे हैं तो एक साथ 5000 लोग हैं तो 10000 आंखें हमको देख रही हैं, यहां सावधान रहना होगा। समाज में हमको श्रेष्ठता मिली है तो हमारे आहार का, विहार का, विचार का, उठने का, बैठने का, खाने का, रहने का, आने का, जाने का, हर पल लोग निरीक्षण करते हैं, इसलिए हर घड़ी सावधान रहना। मेरे राम जी चाहते तो ऐसे चले जाते, केवट जी ने कहा भी आगे दर्शन करेंगे हम, लेकिन नहीं। हा हा, देखिए खड़े हैं प्रभु, सखा भी खड़े हैं। बाबा की लेखनी मुस्कुराई, मांगी नाम न केवटवाना, कहई तुमार मरम मैया, जन कमल कहूँ सब कहई, मानुष कहई मोरी कछुआई, सुरत सिरा
प्रभु एहि प्रतिपाद सी है। मांगी नाव, केवट जी आए नहीं, बोले हम आपके मर्म को जानते हैं। आप में से जो लोग विद्वानों के प्रवचन श्रवण करते होंगे, विद्वान लोग कहे तुम्हार मर्म में जाना पर महीनों बोलते रहते हैं। तीन प्रसंग आप दर्शन करिए। भगवान के मर्म को वो जान सकता है, महर्षि वाल्मीकि बाबा कहते हैं, सोई जान नई जेहि देह जनाई। भगवान जिसको जनाना चाहते हैं अपना मर्म, वो जानता है। कौन कौन जाने? केवट जाने कहि तुमार मरम में जा। मरम माने अंतरंग बात। कोई कोई बात होती है कि अंतरंग लोग ही जान पाते हैं, सब नहीं जान पाते। तो केवट जी जान गए और परमार्थ पथ में निष्णात अद्भुत प्रविष्ट परमारथ पथ परम सुजाना भरद्वाज जी महाराज कहते हैं, जाना मरम नहात प्रयाग मगन हो ही तुम्हारे ये दो लोग ठीक से जान गए। यह रहस्य रघुवीर कर बेगिन जाने कोई। अरे मात दिवस कर दिवस बा मरम न जाने कोई। बोले जानते शिव बाबा क्या बोले? प्रेमत प्रकट हो ही मैं जाना। मैं जानता हूं क्योंकि मैंने कई बार प्रार्थना किया तो सरकार ने कृपा की। जितनी भगवान से हमारी अंतरंगता होगी उतने हम आनंद में रहेंगे। जिसकी अंतरंगता है उसकी बहिरंगता अंतर्मुखी होती चली जाएगी। भक्ति में क्रिया का कोई महत्व नहीं। ये बात आपकी समझ में आ रही है? अरे हाँ ना बोलिए ना। आ रही कि नहीं आ रही? भक्ति में क्रिया का कोई स्थान नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? आपके समझ में आ रही है? भक्ति में किसका महत्व है? भाव का। देखिए कबीर बाबा कहते हैं, अरे मोह भावे रे भक्ति भिलनिया, मोह भावे रे। शबरी अम्बा भावमयी भक्ति कर गई, केवट जी प्रेममय भक्ति कर गए।
क्या कह रहे हैं प्रभु, और कौनो भय न बा, बस गुड़वा धोवाई ला। कहा भैया गुड़वा में का है? अरे गुड़वो में कछु नहीं है। देखिए क्या बाबा ने लिखा हो, क्रांति है पूरी। केवर जी कहते हैं, अरे नारन 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 रावर दोषन पायन को पग धोरी को भोरी प्रभाव महाय। रावर दोषन पायन को पग धोरी को भोरी प्रभाव महाय। पावन पाय पखारी के नाव चढ़ाई रोवाय सुहोत कहाय। पावन पाय पखारी के नाव चढ़ाई रोवाय सुहोत कहाय। पावन से पान काट को पावन ते बन पान काट को घूमल है जल खाई आप में दोष नहीं है प्रभु। अब ये देखिए बात कितनी अलंकृत है। हम लोगों के साथ छोटी सी घटना घट जाए, अपनों कपार फोड़त हैं और भगवान को काका नहीं कह देते। अरे हो, देखिए जो बड़ा है ना वो किसी का बुरा नहीं करता। बड़ा कौन है? जो छोटे का भी अपकार नहीं करता वही बड़ा है। भगवान सबसे बड़े हैं, प्रभु सबसे बड़े हैं। परमात्मा ने किसी का बुरा क्यों करना भाई, क्यों करना? क्या मिल जाएगा? भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भगवान किसी का बुरा नहीं करते मित्रों। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।